नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक पावर और सेक्टर कंपनी के बारे में। तो पावर जनरेट करने वाला जितने सारे कंपनीज है उनमें से टाटा ग्रुप के टाटा पावर बहुत तेजी से काम कर रहा है और टाटा पावर के ऊपर बहुत सारे चर्चे भी है, क्योंकि टाटा पावर के ऊपर बहुत सारे न्यूज चैनल भी कवर करते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे मतलब अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, मतलब न्यूज का जो सेक्टर होते हैं उनमें से देखा जाए तो टाटा पावर के नाम बहुत सामने आते हैं। क्योंकि देखिए, टाटा पावर जिस तरीके से काम कर रहा है, साथ ही साथ टाटा मोटर्स जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो टाटा ग्रुप बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सारे के सारे प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे आगे काम कर रहा है और सबसे तेजी से काम कर रहा है। देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि बाकी सारे कंपनीज चुप बैठे हैं, बाकी सारे कंपनीज भी काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से टाटा पावर ने काम किया है उस तरीके से कोई भी कंपनी इतना जोर शोर से काम नहीं कर रहा है। तो टाटा ग्रुप से फिर से एक नया अपडेट आ चुके हैं, टाटा पावर से एक नया अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको देखकर उतना खास नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए मार्केट आज फर्स्ट टाइम में तो गैप अप में ओपन हुआ था, उसके बाद फिर से गिरावट, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड, मतलब मार्केट आज एक साइड बेसिस पैटर्न में देखने को मिला। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए, इस स्टॉक में भी देखिए, पहले गैप अप में ओपन हुआ, उसके बाद गिरावट, फिर से ओपन, फिर से गिरावट, तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक साइड बेसिस पैटर्न में हुआ। तो कंपनी ने टाटा पावर के ऊपर कौन सा गुड न्यूज आया जिसके कारण यहाँ पे आज के दिन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मूवमेंट, पहले गैप अप में थोड़ा सा ओपन हुआ और एक रैली देखने को मिला था। तो एक्चुअली देखा जाए तो टाटा पावर ने बहुत बड़ा एक अपडेट दे चुके हैं, तो चलो वो अपडेट पहले देख लेता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन ब्रोकिंग के माध्यम से, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और हाँ, अब तक अपने मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जो इंटरनेट लेवल कॉल प्रोवाइड किया जाता है आपको, और बेस्ट से बेस्ट कॉल प्रोवाइड किया जाता है, आप एक बार जाकर चेकआउट करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप ग्रुप से एग्जिट हो जाना। तो देखिए यहाँ पे 5 दिन के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो उतना खास नहीं, 1 मंथ में करीबन उतना भी खास नहीं, 6 मंथ में करीबन करीबन 10% तक रिटर्न दिया, चलो ठीक है, 1 साल में देखा जाए तो 151% तक रिटर्न कंपनी दिया है, तो एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला। 5 साल में देखा जाए तो 194, मतलब 200% का रिटर्न 5 साल में कंपनी ने दे चुके हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को ओपन कर दूं तो 2300% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं, तो अराउंड आप देखेंगे तो 2300% का रिटर्न कंपनी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो अच्छा खासा रिटर्न का यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी ने दिया हुआ है। एक रॉकेट की तरह भागा है, क्योंकि देखिए बहुत दिनों के तक कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चला था, और लॉकडाउन के बाद, कोरोना के सिचुएशन के बाद, फास्ट लॉकडाउन के बाद कंपनी देखिए, जब फास्ट लॉकडाउन का गिरावट हुआ था तब इसका प्राइस रेंज था करीबन करीबन 34 रुपीज, और अभी कितना, 245 रुपीज। कंपनी टॉप हाई लेवल में अभी काम कर रहा है, इसका जो हाई था, टॉप लेवल का हाई था 278, अराउंड आप देखेंगे तो इसका हाई था 298 और कंपनी का जो लो था 96। देखिए, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कितना बड़ा कंपनी आप बोल सोच सकते हैं। तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, अभी देख लेते हैं कंपनी का गुड न्यूज कौन सा है। तो देखिए, अभी गुड न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे न्यूज पब्लिश किया गया है, और वो भी बहुत शानदार और न्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया, देखिए, टाटा पावर टू इंस्टॉल कितना 5,000 EV चार्जिंग पॉइंट्स। तो देखिए, मार्केट में टाटा ग्रुप के, मतलब टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए तो चार्जिंग पॉइंट हर जगह पे होना चाहिए, मतलब हर पेट्रोल पंप में होना चाहिए, हर सिटीज में, हर विलेज में होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, टाटा पावर ने बहुत सारा चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करने का काम पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत जगह पे आपको टाटा पावर का चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसे बड़े सिटीज में आपको देखने को मिलेगा, मगर अभी तक आपको विलेजेस में और लो सिटीज में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए टाटा पावर ने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आया, तो टाटा पावर क्या करने वाले, इंस्टॉल करने वाले, वो भी कितना, 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट।
वो भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई में होगा इस चार्जिंग पॉइंट का शुरुआत, और उसके बाद धीरे 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 करके बाकी स्टेट में भी फैल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, द मूव विल गिव ए बूस्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब बूस्ट करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और भी देखिए एडॉप्शन इन द स्टेट, मतलब हर स्टेट में जो चार्ज मतलब चार्जिंग पॉइंट का जो रिक्वायरमेंट है, जो जिस चार्जिंग पॉइंट के ना होने के कारण लोग इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी तक मतलब गाड़ियां नहीं लोग खरीदारी कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के ऊपर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कंपनी एक नया स्ट्रेटेजी यहाँ पे लेके आए, और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी रहे, क्योंकि ऑयल का प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहा है, साथ ही साथ इस धरती को बचाना है। तो देखिए जिस तरीके से ऑयल के माध्यम से ही सबसे ज्यादा कार्बन यहाँ पे तैयार होते हैं, और उसको इमोशन फ्री मतलब कार्बन इमोशन फ्री करने के लिए जो पेट्रोल डीजल का जो गाड़ियां है वो टोटली बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी प्राइवेट जितने व्हीकल्स है और जितने सारे स्कूटर है, मतलब बाइक को भी अभी शिफ्ट किया जा रहा है स्कूटर के माध्यम से, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के माध्यम से, तो यहाँ पे इसी के लिए चार्जिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए आप चार्जिंग तो घर से करके निकलेंगे, मगर कितना दूर जा पाएंगे, तो उसके लिए तो बीच में भी आपको चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे जाकर आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरीके से चार्जिंग पॉइंट का जरूरत होगा। तो यहाँ पे देखिए टाटा ग्रुप ने क्या किया, टाटा ग्रुप ने इस तरीके से फैसला लिया कि 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी कहाँ पे, मुंबई में। और यहाँ पे देखिए कंपनी क्या बता रहा है, तो ए कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन अक्रॉस मेंबर डेवलपमेंट, मतलब NARDCO इसका जो फुल फॉर्म है, विल इंक्लूड इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन द चार्जेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब कंपनी सिर्फ इंस्टॉल नहीं करेगा, कंपनी उसको मेंटेनेंस भी करेगा, इंस्टॉल तो करेगा ही, साथ ही साथ मेंटेनेंस भी करेगा और अपग्रेड भी करेगा। मतलब अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आए और चार्जिंग का नया फैसिलिटीज आए तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, जो हमेशा अपडेट करते हैं खुद को, प्रोडक्ट को, साथ ही साथ खुद का बिजनेस को भी अपडेट करते हैं। आप देखेंगे कंपनी बता रहा है कि 24.7 इस टाइम में टोटल व्हीकल चार्जिंग होगा, मतलब आप किसी भी टाइम में जाकर मतलब आप मान के चलिए आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो आपको पेट्रोल डीजल खरीदना है, तो जो पेट्रोल पंप होते हैं, जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं, तो उसमें देखा जाए तो 24 आवर्स आपको सर्विसेज दिया जाता है। तो सेम टू सेम अब चार्जिंग पॉइंट का भी सर्विसेज कंपनी बता रहा है, 24 इंटू 7 डेज आपको टोटल सर्विसेज देना मतलब देगा। और यहाँ पे एक और एक पॉजिटिविटी कंपनी बताया, टाटा पावर EZ चार्जिंग मोबाइल एप्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका चार्जिंग सिस्टम कितना तेजी से हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे मॉनिटरिंग भी किस तरीके से हो रहा है, और इसका पेमेंट फैसिलिटीज भी आपको दिया जाएगा, मतलब आप पेमेंट सिस्टम भी ऑनलाइन के माध्यम से करके चार्जिंग कर सकते हैं। मतलब किसी का जरूरत नहीं होगा, आप जाकर खुद चार्जिंग कर सकते हैं, आप पेमेंट करेंगे उसके बाद चार्जिंग ऑटोमेटिकली आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी का कार्बन इमिशन कम करने के लिए कंपनी इस तरीके से कुछ फैसला लिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से टाटा टाटा ग्रुप जो है वो हमेशा एक कदम आगे सोचते हैं। तो टाटा ग्रुप के नया जो इनोवेशन है वो टाटा पावर के साथ जुड़कर काम कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर बिजनेस करना ही है, अगर बिजनेस करना ही है और अगर आपको कोई भी बिजनेस को आगे लेके जाना ही है तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो देखिए टाटा ग्रुप जो है वो हमेशा वेलकम करते हैं नया टेक्नोलॉजीज को, नया प्रोजेक्ट को। तो देखिए मेरे हिसाब से टाटा पावर के ऊपर आपका निवेश है तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाटा पावर जो है वो एक रीजनेबल प्राइस में भी आपको दिखेगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखिए 64 है, मतलब इसका पी रेशियो कितना 46 है। मैं जरूर कहूंगा 42-46 भी हाई मतलब पी रेसी है, फिर भी इंडस्ट्रीज के पी रेसी के हिसाब से इसका पी रेसी कम है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी साइन यहाँ पे मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का कर्जा भी बहुत ज्यादा है, 49,000 अराउंड 50,000 करोड़ का कर्जा है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 78,000 करोड़ है, और उसका कर्जा भी देखिए 49,060 करोड़ का कर्जा है। फिर भी देखिए इतना कर्जा होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट शानदार कमाते आए हैं। देखिए 1,100 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया है, साथ ही साथ हाथ में 6,600 करोड़ का कैश भी है। इसका मतलब कंपनी जितना भी कर्जा ले उसको मिटा के उसको मतलब उसका जो इंटरेस्ट है उसको मिटाने के बाद भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा पैसा बच रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अगर आप फोकस नहीं रखेंगे
तो आप किसके ऊपर रखेंगे। तो और एक चीज मैं इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, इस कंपनी के जो पैरामीटर है आप देखेंगे तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट करते आया है, कभी भी लॉस नहीं किया, हमेशा प्रॉफिट करते आया है। साथ ही साथ और भी एक चीज मैं आपको जरूर दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का रिटर्न। कंपनी का रिटर्न देखिए शानदार है। देखिए रिटर्न से देखकर ही निवेश मत कर देना, कंपनी के रिटर्न देखने से पहले बाकी पैरामीटर भी देखना चाहिए। देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस, तो पहले तो कंपनी 2012 में और 13 में 14 में लॉस किया था, उसके बाद कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट हुआ। जब लॉस होते थे उसका चार्ट पैटर्न भी उस टाइम इस तरीके से चलते थे, जब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया तो कंपनी रॉकेट बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है आप स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा स्टॉक और फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखेंगे तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता ही रहेंगे। तो देखिए कंपनी के ऊपर FIS DIS देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी करके रखा। हाँ आप कहेंगे सर पहले तो FIS के पास 25% था, DIS के पास 24% था। देखिए इंस्टीट्यूशन हमेशा इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आप भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप करिए, मगर मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से टाटा पावर ने जिस तरीके से काम कर रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे और अच्छा खासा बिजनेस भी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ पूरा का पूरा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।